preview. हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ConsumerABS। और आज की वीडियो से एक सीरीज़ की शुरुआत होने जा रही है जिसका नाम है नॉलेज ऑफ ड्राइविंग। इस सीरीज़ का मेन पर्पस है कि आपको रोड सेफ्टी, ट्रैफिक रूल्स और ट्रैफिक साइंस से पूरी तरीके से अवेयरनेस फैलाना ताकि आप सभी लोग सेफली घर ड्राइव करके जा सकें। आज के टाइम पर सभी के पास में टू व्हीलर और कार है। जो लोग ड्राइविंग सीख रहे हैं और जो ड्राइविंग करते हैं, आप सभी लोगों के लिए मेरा यह वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। तो सबसे पहले आप मेरा एक रिपोर्ट देखिए, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा YS मलिक का रिपोर्ट, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के सेक्रेटरी हैं। ये 2016 का रिपोर्ट है। तो आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं कि 2016 में 480,000 से भी ज़्यादा एक्सीडेंट हुए हैं, जिनमें 495,000 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए और 150,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवा दी, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ये सारे जो एक्सीडेंट हैं इनका रिकॉर्ड है। ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट भी होंगे जिनका कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड ही नहीं है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना एक सीवियर कंडीशन है। इस एनालिटिक्स को ध्यान में रखकर बात करें तो हर दिन 1300 से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं और 413 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अगर घंटे के हिसाब से बात की जाए तो 55 एक्सीडेंट होते हैं हर घंटे, जिसमें 17 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। तो ये एक बहुत ही क्रिटिकल सा सिचुएशन है, तो हमें इसको ध्यान में रखते हुए रोड सेफ्टी की और कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा। और जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं वो ट्रैफिक जंक्शंस पे होते हैं, यानी कि अगर कोई जेब्रा क्रॉसिंग है, कोई हम्प आ गया, या कोई गड्ढा है, पॉटहोल है, या टर्निंग है, या रोड सर्कल है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे 37% एक्सीडेंट ट्रैफिक जंक्शंस पे ही होते हैं। तो ट्रैफिक जंक्शन का बोर्ड बहुत ही पहले लगा दिया जाता है ताकि हर एक ड्राइवर को उसकी मतलब जानकारी रह पाए पहले से ही, ताकि एक्सीडेंट कम से कम हो। पर ऐसा कोई फॉलो नहीं कर रहा है और ये स्टार्ट करना चाहिए। अगली रिपोर्ट देख करके मुझे शॉक लगा था, सच बता रहा हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा ही शार्प तरीके से जो एक्सीडेंट का सिलसिला है 2005 से 2015 तक बहुत ही तेज़ी से बढ़ा है। और मैं अगर अपनी ऑडियंस प्रोफाइल की बात करूँ, जो मेरे व्यूवर्स हैं, तो वो लोग हैं 18 ईयर से लेकर के 45-46 ईयर्स तक। तो वो लोग वर्किंग एज के सब पीपल हैं। और आप यहाँ देख सकते हैं करीबन 46.3% लोग जो काम करने वाले थे 18 से 35 ईयर तक, उनकी डेथ हो गई है। और टोटल अगर बात करें तो 18 से 45 ईयर तक जो टोटल पर्सन लोग हैं 68.6 1,03,409 जो काम करते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कुछ करते हैं, उनकी डेथ हो गई है। तो ये बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है और हमें इसको टैकल करना है सब मिलके। तो रोड सेफ्टी के बारे में ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूरा देखें इसे। तो वीडियो स्टार्ट करेंगे हम लोग रोड साइंस से। तो बेसिकली तीन टाइप के साइंस होते हैं, मैंडेटरी, कॉशनरी एंड इन्फॉर्मेटरी। तो आज हम बात करने वाले हैं मैंडेटरी रोड साइंस के ऊपर, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला साइन है स्टॉप का। आपको ये दिखे तो आपको वहीं रुकना है, आगे आप नहीं जा सकते। इस साइन का मतलब है कि आप, ये रास्ता बंद है, कोई यहाँ पे नहीं जा सकता। इस साइन का मतलब है कि आपको पीछे जाने वाली जो गाड़ी है आपकी, उसको रास्ता देना है। इस साइन का मतलब है कि दो लेन है तो दाहिनी वाली लेन खुली है और बाएँ वाली बंद है। इस साइन का मतलब है कि जो बाएँ वाली लेन है वो खुली है और जो दाहिने वाली लेन है वो बंद है। इस साइन का मतलब है कि आपको सीधा, आप सीधा नहीं जा सकते। इस साइन का मतलब है कि यहाँ पे पैदल यात्री नहीं चल सकते। इस साइन का मतलब है कि आप यहाँ पे साइकिल नहीं चला सकते। इस साइन का मतलब है कि आप आगे से राइट टर्न नहीं ले सकते। इस साइन का मतलब है कि आप आगे से लेफ़्ट टर्न नहीं ले सकते। इस साइन का मतलब है कि आप जिस रोड पर जा रहे हैं वहाँ से यू टर्न नहीं ले सकते। इस साइन का मतलब है आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते, ये पहाड़ी रास्तों और घुमावदार रास्तों पे आपको मिलेगा। इस साइन का मतलब है कि इस रोड पे ट्रक्स प्रोहिबिटेड है, ट्रक नहीं चला सकते। इस साइन का मतलब है कि आप तांगा जो है घोड़ा गाड़ी वो यहाँ नहीं चला सकते। इस साइन का मतलब है कि ऑल मोटर्स प्रोहिबिटेड, कार और बाइक दोनों बंद है। इस साइन का मतलब है कि आप इस रास्ते में ठेला गाड़ी नहीं चला सकते। इस साइन का मतलब है कि आप इस रोड पर बैलगाड़ी नहीं चला सकते। इस साइन का मतलब है कि आप इस रोड पे बैलगाड़ी और ठेला गाड़ी दोनों नहीं चला सकते।
इस साइन का मतलब है कि आप यहाँ पे गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हैं। इस साइन का मतलब है कि ना ही आपको गाड़ी इस जगह खड़ी करनी और ना ही रुकना है। इस साइन का मतलब है कि आपको 50 से कम का ही स्पीड लिमिट बनाए रखना है। इस साइन का मतलब है कि आने वाला जो पुल है वो 4 टन तक का लोड सह सकता है। इस साइन का मतलब है कि गाड़ी की विड्थ आपकी जो है वो 2 मीटर से कम होनी चाहिए। इस साइन का मतलब है कि गाड़ी की हाइट 3.5 मीटर से कम होनी चाहिए। इस साइन का मतलब है कि आपकी गाड़ी की जो लेंथ है वो 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस साइन का मतलब है कि जिस रोड पर आप जा रहे हैं उस रोड पर आप 5 टन की गाड़ी ले जा सकते हैं। इस साइन का मतलब है आपको कंपलसरी लेफ्ट टर्न लेना है, और ये राइट साइड होता तो ये कंपलसरी राइट टर्न होता। इस साइन का मतलब है कि आपको आगे जाके राइट टर्न लेना है, और उल्टा होता तो आपको लेफ्ट टर्न होना। इस साइन का मतलब है आप आगे जा सकते हैं और लेफ्ट भी मुड़ सकते हैं। इस साइन का मतलब है आपको सीधा आगे जा सकते हैं या फिर राइट मुड़ सकते हैं। दिस इज़ कंपलसरी अहेड साइन, आपको सिर्फ आगे ही बढ़ते जाना है। इस साइन का मतलब है कि आपको हॉर्न का यूज़ करना है। जनरली ये हिली एरिया में मिलता है। इस साइन का मतलब है इस रोड पे रिक्शा और साइकिल दोनों चला सकते हैं। इस साइन का मतलब है कि एक रोड सीधा जा रहा है और लेफ्ट साइड से भी एक रोड का डाइवर्जन है। इस साइन का मतलब है कि एक रोड है सीधा जा रहा है और राइट साइड को भी एक रोड का डाइवर्जन है। इस साइन का मतलब है कि इस रास्ते पे पैदल यात्री जा सकते हैं। इस साइन का मतलब है कि इस रोड पे सिर्फ बसेस ही अलाउ हैं। कॉशनरी साइंस का सेकेंड पार्ट ज़रूर बनाऊंगा मैं बहुत ही जल्दी। आप प्लीज़ इस वीडियो को अपने चाहने वाले भाई बहन सबको शेयर करें, और मेरा काम आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर ज़रूर करें ताकि सबकी हेल्प हो पाए। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।